वेलकम टू फूड शूट विद सीमा। आज हम वेज मोमोज बना रहे हैं। हम चीज़ें सारी मिक्स करेंगे, पत्ता गोभी, अदरक, हरी मिर्च, प्याज, गाजर, इन सबको मैंने कद्दूकस किया था। और इन अगर इसमें थोड़ा सा भी पानी हो तो आप कपड़े में डाल के निचोड़ सकते हैं, पर मेरे इसमें पानी नहीं आ रहा था। ये नमक लिया है मैंने और थोड़ा सा काली मिर्च, इन सबको हम मिक्स करेंगे। बस इसमें यही सामान डालना है और कुछ नहीं। ये सारा मिक्स हो गया, इसके बाद हम अब मैदा गूंदेंगे। एक कप मैदा लिया है, आप जितना चाहे ले सकते हैं, मैंने एक कप लिया है। इसमें थोड़ा सा नमक एक चम्मच और 2 स्पून ऑयल लिया है। ये तीनों मिक्स करके अब हम धीरे धीरे पानी डालेंगे। हमें ना बहुत पतला गूंदना है ना टाइट गूंदना है, नॉर्मल आटा जैसे गूंदते हैं सॉफ्ट सा, वो गूंदना है इसको। और गूंदने के बाद हम इसको 15 मिनट हम साइड में रख देंगे, रेस्ट करने देंगे। ढककर 15 मिनट अलग रख दिया था मैंने। अब हम बना रहे हैं। ये मैंने छोटा सा एक पेड़ा लिया है, बिल्कुल छोटा सा, जैसे पूड़ी से भी छोटा होता है। और धीरे धीरे इसको टर्न करेंगे, आपको अपने आप समझ आएगा। एक तरफ से पकड़ते ही धीरे धीरे वो अपने आप ही मुड़ता चला जाएगा। ये पूरा एक ऐसे जैसे मोदक होते हैं, जैसे लहसुन की शेप होती है, ऐसे वो शेप अपने आप आ जाएगी। किसी भी शेप में हम बना सकते हैं। ये मैं और दिखाती हूँ मैं आपको। हमें इस पे अगर चिपक रहा हो तो भले ही घी लगा लीजिएगा, सूखा आटा नहीं लगाना है। अगर जरा सा भी चिपके, अब जैसे 1 स्पून हमने डाला है ये इसमें, और एक तरफ से पकड़ के मोड़ेंगे और फिर उसी पर हम मोड़ते चले जाएंगे। वो अपने आप ही घूमना शुरू हो जाएगा। और ये हमारा बन गया। एक और ट्राई करते हैं। कम से कम 3 इंच तक फैल जाता है, जहां से चिपक रहा हो उधर से आप बेलिए। अब ऐसे इसको मोड़ा और इसको एक तरफ से पकड़ के दबा दिया तो फिर वो घूम रहा है। और इसके लिए हम इसको, हमने चलनी लिया, इस पे ऑयल लगा रही हूँ मैं, हम इसके ऊपर रखेंगे और एक पानी का पतीला उबाल कर रखेंगे। ये पहले मैंने इस पे ग्रीस कर दिया इसको, छलनी को, जो आपके पतीले पर फिट हो जाए। ये पतीला मैंने पानी रखा है, इसमें बॉयल्ड पानी होना चाहिए, और इसके ऊपर रख कर बस इतना पानी डूबे नहीं है छलनी। और ये ढक्कन लगा के हम पूरे घड़ी को देखते हुए 10 मिनट तक रखने हैं और हमारी डिश तैयार हो जाएगी। तो ये तैयार हो गए हैं, ये मैंने 10 मिनट तक रखे और ये बिल्कुल पककर रेडी हो गए हैं।